दोस्तों यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको एक बेहतरीन अपडेट लेके आया हूं जो है बीसी सखी के बारे में। जी हां दोस्तों, बैंकिंग कस्पोडेंट सखी के बारे में आपको एक बेहतरीन वीडियो हाजिर कर रहा हूं आज मैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीसी सुपरवाइजर पदों पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने आवेदन पत्र जारी किया हुआ है। जी हां दोस्तों, बैंकिंग सुपरवाइजर बीसी बैंकिंग कस्पोडेंट सुपरवाइजर पदों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उस आवेदन के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये आवेदन क्यों आमंत्रित कर रहा है और इसका क्या योग्यता होगा, क्या प्रोसेस होगा और क्या मानदेय होगा और विभिन्न पहलुओं को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नोटिफिकेशन भी दूंगा। उस नोटिफिकेशन को आप PDF है उसको डाउनलोड करके आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कि सुपरवाइजर की जरूरत होती है? दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि BMM, RMM और DS ये तीनों यानी ब्लॉक मिशन मैनेजर, रीजनल मिशन मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर, ये तीनों पोस्ट की वैल्यू क्या होती है, ये तीनों पोस्ट पे वो कौन से लोग होते हैं जो बैंकिंग कस्पोडेंट सखी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मैनेज करते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए तो बहुत बड़ी आप लोगों की मेहरबानी होगी। दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल बताया हुआ कि BMM, RMM और DS ये लोग क्या होते हैं। तो दोस्तों क्या जरूरत आ पड़ी बैंक ऑफ बड़ौदा को खुद से आवेदन आमंत्रित करने के लिए बैंकिंग कस्पोडेंट सुपरवाइजर की? दोस्तों जैसा कि गवर्नमेंट के द्वारा शासनादेश जारी किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शासनादेश जारी किया गया है कि ऑफिस सेटअप को लेकर 3 से 4 दिन बैंक ऑफ बड़ौदा के नजदीकी ब्रांच में बैठेंगी और बाकी के दिन वो अपने ग्राम संगठन में बैठेंगी। तो दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखकर बैंक ऑफ बड़ौदा को ऐसा लग रहा है कि आवेदन पत्र जारी करना चाहिए क्योंकि हमें कुछ बीसी बैंकिंग का जरूरत है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से बैंकिंग ढांचागत क्रम को मजबूत करने के लिए बैंकिंग का स्टूडेंट सखी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, उसी प्रकार बैंक में भी कुछ स्टाफ बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्यादा करने पड़ रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपको गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है जो बैंक ऑफ बड़ौदा गोरखपुर उत्तर प्रदेश रीजन के अंतर्गत 7 विभिन्न जिलों में स्थित ब्रांचों पर अनुबंध आधार पर बीसी सुपरवाइजर पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ये काम की खबर है और बैंक ऑफ बड़ौदा में गोरखपुर उत्तर प्रदेश रीजन के अंतर्गत 7 विभिन्न जिलों में स्थित ब्रांचों पर अनुबंध आधार पर बीसी सुपरवाइजर पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों के ब्रांचों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी सुपरवाइजर की भर्ती कर रहा उनमें से बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, संत कबीर नगर शामिल हैं। इनमें 7 जिलों में स्थित जिन ब्रांचों में नियुक्ति की जानी है उनकी लिस्ट उम्मीदवार भर्ती अधिसूचना में आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब अगला सवाल आप लोग का होगा कि दोस्तों आवेदन कैसे करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर उपलब्ध कराए गए एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को वेबसाइट पर विजिट करने के बाद करियर सेक्शन में जाना होगा जहां बीसी सुपरवाइजर की भर्ती से संबंधित अधिसूचना का लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करके रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा रीजनल ऑफिस गोरखपुर रीजन हनुमान मंदिर क्रॉसिंग बेतिया हाट गोरखपुर 2730011 पर आप जाकर भेज सकते हैं। अपना ड्यूली फिल्ड आउट साइन सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म आप वहां पर भेज सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कौन कर सकता है आवेदन। ज़्यादातर मेरे भाई बहनों का सवाल भी हो सकता है कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी सुपरवाइजर पे कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इस सुपरवाइजर की पोस्ट पर जो भी लोग आवेदन के इच्छुक हैं उन उम्मीदवारों को किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन जरूरी है और कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए क्योंकि बैंक में बैठ के आप कंप्यूटर ऑपरेट करना होगा और कंप्यूटर ऑपरेट यानी आपको ट्रेनिंग बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से दी जाएगी। तो आप लोग उम्मीद करूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के आखिर में आप लोग सेक्रेट बताने वाला हूं किस तरीके से आप बड़े आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों स्नातक होना जरूरी है उम्मीदवार को और कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 21 से कम भर्ती योग्य नहीं होंगे, 45 से ज्यादा भी भर्ती योग्य नहीं होंगे। इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में जाने हैं कि किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। उस आवेदन में हर एक चीज आपको बताया गया है। वो जैसे ही आप आवेदन डाउनलोड करेंगे पूरा अधिसूचना है पूरा बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट पर,
वहाँ से जैसे आप bankofbaroda.in पर जाएंगे पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा जाएगा और उस डिटेल को आप लोग डाउनलोड करके बखूबी आप लोग उसको ड्यूली फिल करके अपने रीजनल ऑफिस में जो गोरखपुर का रीजनल ऑफिस जो मैंने एड्रेस बताया आपको उस एड्रेस पर आप लोग भेज सकते हैं। फिर से मैं आपको एड्रेस बताना चाहता हूँ, एड्रेस है जहाँ पे आपको भेजना है आपको ड्यूली फिल फॉर्म, क्षेत्रीय प्रमुख बैंक ऑफ बड़ौदा गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय। और दोस्तों आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि ये आवेदन जो है हमारा निविदा की सूचना की जो तिथि है यानी जो नोटिस निकाली गई 29 जून को निकाली गई थी, 30 जून को ये न्यूज़पेपर में आया है और यहाँ पर आप आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तारीख और समय है आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, वो 29 जुलाई 2021 है 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक ही आप फॉर्म भरेंगे, वही फॉर्म आपके लिए आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद का कोई फॉर्म पर इंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, ऐसा बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिस दिया हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी अनुबंध आधार पर प्योरली दोस्तों एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट, आप ये मत भ्रम में रहिए कि सरकारी नौकरी है, बीसी सुपरवाइजर के पद पर जो भी भर्ती होने जा रही है ये भर्ती कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है यानी अनुबंध के आधार पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा युवा उम्मीदवारों व अनुभवी सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों से बीसी सुपरवाइजर्स के पद के अर्हता हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि इसमें युवा उम्मीदवार और अनुभवी सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, दोस्तों कोई भी आवेदक है जो किसी भी बैंक में जॉब कर चुका और इस समय रिटायर्ड है यानी सेवानिवृत्त है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन आप नोटिफिकेशन में डिटेल में बताऊंगा कि सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी को वरीयता भी दी जाएगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर आप लोग जल्दी से जल्दी जो भी हमारे ग्रेजुएट भाई बहन हैं या जो भी स्नातक हो चुके हैं, जिनकी स्नातक हो चुकी है, वो लोग अनुबंध आधार पर बीसी सुपरवाइजर के पद पर जरूर फॉर्म भरें, क्योंकि दोस्तों उस पर आप जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कॉल आ जाएगा कि आपका फॉर्म रिसीव कर लिया गया है। अगर नहीं रिसीव किया गया है तो आप लोग उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोगों को पूरी मदद करूँगा। दोस्तों जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने शासनादेश में अपने ब्रांच का नाम, एरिया, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, यानी स्टेट तो उत्तर प्रदेश है, सब कुछ डिटेल दिया हुआ है कहाँ पर किस तरीके से आपको जानकारी बीसी सुपरवाइजर के पद की मिल जाएगी। तो इसी सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के सुपरवाइजर पद के भर्ती को लेके। अभी हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बीसी सखी यानी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की भर्ती जोर शोर से चल रही है और लगभग 58,100 में से लगभग 30,000 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखियों को ट्रेनिंग दिया जा चुका है, बाकी के लोग अंडर प्रोसेस में हैं और 30,000 में से जो भी लोग ट्रेनिंग और प्रमाण पत्र पा चुके हैं यानी प्रशिक्षण और प्रमाणित हो चुके हैं उनमें से 17,500 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया जा चुका है और वो लोग अपने ऑफिस में अपने ऑफिस का सेटअप भी कर चुके हैं, क्योंकि 75,000 रुपये सरकार के द्वारा डिसबर्स कर दिया गया है उनके स्वयं सहायता समूह के अकाउंट में। अगर ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आपको स्वयं सहायता समूह बनाना है, किस तरीके से आपको अपने गाँव में एक ग्राम संगठन बनाना है, किस तरीके से आपको बीसी सखी बनना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो शासनादेश में बिल्कुल डिटेल में है कि रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और फॉर यंग कैंडिडेट जो भी युवा उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, मोटा मोटी मैंने स्नातक बता दिया है। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट को पढ़कर बखूबी कमेंट के माध्यम से जवाब दूंगा, अगर देने लायक होगा नहीं तो मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को डाउट को क्लियर करना चाहूँगा। दोस्तों वीडियो को आप लोग अंत तक देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक और निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम के आपके दोस्तों की भी नौकरी लग सके, आपके दोस्त भी। दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।